गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. हम लोगों ने अभी इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे थे. रिप्रोडक्शन में हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर ली थी. अभी फर्दर हमें क्या देखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग को स्टडी करनी है. और एसेक्सुअल की भी कुछ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, तो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा, यूनिपैरेंटल होता है, यानी कि सिंगल पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा. सेकेंड थिंग हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि यूनिपैरेंटल है तो नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, नहीं पाया जाना है. ठीक है, फर्दर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं है, ऑब्वियसली अगर नो गैमीट फॉर्मेशन लिख लीजिए या फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट एब्सेंट, दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं. गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन दोनों ही क्या है, हमारा एब्सेंट है. नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पे यूनिपैरेंटल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इसका पाया जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, आपका क्लोन्स पाए जाते हैं यहाँ पर. ठीक है, क्लोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है वो क्या होती है, अपने पेरेंट्स का क्लोन होती है, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होती है. और क्लोन्स का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. ठीक है, क्या है आपका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपैरेंटल यानी कि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा. सेकेंड थिंग क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं पाया जाएगा, फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी नहीं होगा. प्लस जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो क्या है, अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, यानी कि क्लोन का फॉर्मेशन यहाँ पर पाया जाता है. और क्लोन का मतलब हम क्या लेते हैं कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होना चाहिए, बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल होना चाहिए. जेनेटिकली का मतलब है जीन लेवल पे उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं. इसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि एक्सटर्नल व्यू में बाहर से जो भी हम उसके कैरेक्टर्स स्टडी करें तो वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर हम लोग देखें तो हालांकि हमें पता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं हम लोग बहुत अच्छे से, बट एक बार रॉ हम लोग इसका डिस्कशन कर लें. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम जो टाइप्स कंसीडर करते हैं उसमें फर्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं फिजन. ठीक, फिजन का मतलब है यहाँ पर ब्रेकिंग. तो ब्रेकिंग जो होती है वो ऑर्गेनिज्म की टू टाइप्स की होती है, एक बाइनरी फिजन हम लोग नाम देते हैं और सेकंड को क्या नाम देते हैं, मल्टीपल फिजन. ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो ब्रेकिंग पाई जानी है, जो हमारे पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होकर क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करते हैं. और इनमें जो ब्रेकिंग की प्रोसेस है इनमें टू स्टेप्स होते हैं. पहले क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाएगा, ठीक, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस. एंड सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन पाया जाता है, जिसको सेकेंड हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, साइटोकाइनेसिस. ठीक है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस से लेते हैं, काइनेसिस का मतलब डिवीजन से. इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब हम लोग क्या लेते हैं, साइटोप्लाज्म से, और काइनेसिस का मतलब हम लोग क्या लेते हैं, डिवीजन से. तो फिजन जो है वो दो तरीके के पाए जाएंगे. फर्स्ट होगा बाइनरी फिजन, जहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी बन रही है वो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से
टू डॉटर सेल्स बनेंगी या टू डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी. एग्जाम्पल क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं, बट अगर हम इनका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो इस तरीके का हमें रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी देखने को के लिए मिलती है. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लीना, ट्रिपैनोसोमा, जितने हमारे लोअर एनिमल्स हैं बेसिकली जो प्रोटोजोआंस हैं वहाँ पे हमें इस तरीके का रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. सेकंड फिर क्या है हमारा मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में क्या पाया जाना है कि एक पैरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, जब भी इनकी अनफेवरेबल सिचुएशन होगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पैरेंट ऑर्गेनिज्म में या उस पर्टिकुलर, पहले तो हम इसका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से इसका डिस्कशन करते हैं ज़्यादा ईजी होगा. प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन पाया जाता है. प्लाज्मोडियम क्या है हमारा? मलेरियल पैरासाइट है, मतलब मलेरिया डिजीज के होने का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो मेनली बेसिकली हमारा क्या है? प्लाज्मोडियम है. ठीक है, तो ये जो मल्टीपल फिजन की एक्टिविटी है वो कहाँ पर पाई जाती है? हमारी प्लाज्मोडियम के अंदर पाई जाती है. और इसमें क्या होगा, जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म होगा इसकी जो अनफेवरेबल कंडीशन या सिचुएशन होती है उस टाइम पे क्या करता है, लाइक अगर हम ये मान लें एक सिंगल हमारा प्लाज्मोडियम है, तो अगर इनकी अनफेवरेबल सिचुएशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये क्या कर लेते हैं, बाहर एक कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट. ठीक है, और इस कवरिंग के अंदर ही क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है हमारा वो डिवीज़न स्टार्ट करेगा और डिवीज़न का प्रोसेस सेम रहेगा. पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में क्या है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म स्मॉल अमाउंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे और एक से हमारे धीरे धीरे क्या है, इस सिस्ट के अंदर प्लाज्मोडियम के ग्रुप फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, और जब भी इनके लिए फेवरेबल सिचुएशन आती है उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सिस्ट है इसकी ब्रेकिंग हो जाती है. ठीक, ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट वॉल पाई जाती है इन द एट द टाइम ऑफ फेवरेबल सिचुएशन, या इन फेवरेबल सिचुएशन क्या पाया जाता है, ये जो इनकी आउटर कवरिंग या सिस्ट फॉर्म हो रही है ये सिस्ट ब्रेकडाउन हो जाती है. और ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या है, ये जो भी इसके अंदर प्लाज्मोडियम के डॉटर सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारे फ्री हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म तो हमारा एक ही था बट वो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक से ज़्यादा जो है प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन पाया जा रहा है. तो इस तरीके का जो फिजन होता है उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं. इसी को रिलेट करके हमारी बुक में दिया हुआ है इंसिस्टेशन से. तो इंसिस्टेशन एक टर्म हमारी बुक के अंदर दे के रखा है, वो भी क्या है हमारा बैक्टीरियाज में पाया जाएगा या फिर जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं या कुछ प्रोटोजोआंस जो होते हैं वहाँ पे पाया जाता है. होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है, सिचुएशन जब भी होती है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कवरिंग पाई जाती है और इसका मेन पर्पस क्या होता है, उनको प्रोटेक्ट करना. तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन में बॉडी वॉल के बाहर या बॉडी की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल कवरिंग का फॉर्म होना ही क्या कहलाता है, हमारा इंसिस्टेशन कहलाता है. ठीक है, फिर फर्दर यहीं पे हम कुछ और टर्म्स भी कंसीडर करते हैं. पहले तो सेकंड हम देख लें, सेकंड हमने पढ़ रखा है टाइप्स में, सेकंड है बडिंग. ठीक, फर्स्ट हमारा फिजन है. फिजन में हम लोग देखते हैं अगर कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके क्या कर रहा है, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है या टू डॉटर अमीबा या जो भी ऑर्गेनिज्म है टू डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन. इसी तरीके से एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अगर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन बेसिक कैरेक्टर है कहाँ पे, प्लाज्मोडियम में. और प्लाज्मोडियम में या कुछ और बैक्टीरियाज में हमें इस तरीके का इंसिस्टमेंट देखने के लिए मिलता है जहाँ पे अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या है, उनकी बॉडी के बाहर या बॉडी की कवरिंग के बाहर एक एडिशनल कवरिंग
फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, जो क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है उस अनफेवरेबल सिचुएशन में. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन. इसी तरीके से बडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो बडिंग जो होता है, पढ़ रखा है हमने कि यहां पर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी. बॉडी का जो एक्सटर्नल सरफेस है या बॉडी का जो सरफेस है, उस पर क्या होती है, एक आउटग्रोथ, या जिस आउटग्रोथ को हम लोग बड भी कहते हैं, बड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को. और जब क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा जो आउटग्रोथ है या जो बड लाइक स्ट्रक्चर है, जब मैच्योर हो जाता है, तो वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होकर के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है. ठीक है, यही फॉर्म, यही इसी तरीके की जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती थी, उसको हम लोग बडिंग नाम देते थे. और बडिंग को भी अगर हम देखें, तो बडिंग टू टाइप्स की होती है. एक होती है हमारी एक्सोजीनस बडिंग, यानी कि जो बॉडी की सरफेस के बाहर बड का फॉर्मेशन हो रहा है. इसी तरीके से एंडोजीनस बडिंग, जो बॉडी की सरफेस या इनर लेयर में कहीं पर बड का फॉर्मेशन पाया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग. ठीक है, तो एक्सोजीनस बडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बेसिकली है हमारा हाइड्रा है, ईस्ट है, जो एग्जाम्पल्स हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे. तो उसमें हम क्या देखते थे, अगर ये हमारा हाइड्रा है, तो हाइड्रा की जो बॉडी होती थी, उस पर क्या है, कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता था. और यही बड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मैच्योरिटी के बाद में यहाँ से डिटैच हो जाता था, और डिटैच होकर एक न्यू या डॉटर अरूंगा की सॉरी डॉटर हाइड्रा या इंडिविजुअल इनकी नेक्स्ट जनरेशन को बनाने का काम कर रहा था. ठीक है, इसी तरीके से हमने यीस्ट में देखा था कि यीस्ट की भी जो ये यीस्ट की सेल होती है, इनकी बॉडी में क्या है, एक आउटग्रोथ बनना स्टार्ट होती है. और एट द टाइम जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तो क्या होगी, ये जो यीस्ट की आउटग्रोथ है, वो सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट होके एक न्यू या डॉटर यीस्ट बनाने का काम करेगी. ठीक है, जो इनकी नेक्स्ट प्रोजेनी भी कहलाती है. ये तो हो गए हमारी एक्सोजीनस टाइप की बडिंग, जो कि यूजुअली अभी तक हम पढ़ते आए हैं. बट हमारा सेकेंड क्या है यहाँ पर, एंडोजीनस बडिंग. और एंडोजीनस बडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो एंडोजीनस बडिंग जो है, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कुछ हमारे जो क्या होते हैं आपके स्पॉन्जेस, कुछ स्पॉन्जेस में एंडोजीनस टाइप की बडिंग पाई जाती है. एंडोजीनस टाइप की बडिंग का मतलब है कि जो बड का फॉर्मेशन है, वो क्या है, इंटरनल सरफेस पे होना है. ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके का होगा, जैसे कि अगर हम स्पॉन्जेस की बॉडी ले लें, तो इनमें जो लेयर्स पाई जाती हैं या वॉल्स पाई जाती हैं, इनकी जो इंटरनल लेयर है, यहाँ पर क्या है, बडिंग जो है वो पाई जाती है. तो इस तरीके की बडिंग जो पाई जाएगी, ये जो बड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, एंडोजीनस टाइप की बडिंग. ये स्पेसिफिक एग्जांपल है स्पॉन्जेस में. स्पॉन्जेस में भी एक हमारा स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पंज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली, स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला में इस तरीके का हमें एंडोजीनस टाइप की बडिंग देखने के लिए मिलती है. और ये जो बड यहाँ पर बनते हैं, उस बड को एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं, दैट इज जेम्यूल्स. ठीक है, मतलब एंडोजीनस बडिंग कहाँ पे पाई जानी है, स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में भी स्पॉन्जिला इनका एक कॉमन एग्जाम्पल है. और स्पॉन्जेस में जो बड का फॉर्मेशन होता है, उस बड को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट आर टर्म्ड एज जेम्यूल. तो जेम्यूल्स क्या है, हमारे एंडोजीनस टाइप के बडिंग के बर्ड्स हैं, जो कि स्पॉन्जिला में मेनली पाए जा रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम इस बड का भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या ये जेम्यूल, जेम्यूल का स्ट्रक्चर इसलिए लेते हैं बिकॉज हमसे जेम्यूल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है.
तो कुछ इस तरीके का हमारा जो बर्ड होता है या जेम्यूल होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जहां पे इसकी जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक, फिर यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको बोला जाता है आर्कियोसाइट सेल्स। और फर्दर ये जो ब्लैंक स्पेसेस हमें देखने के लिए मिल रही हैं, यहाँ पे कुछ फ्लूइड फिल्ड होंगे। फ्लूइड के अलावा स्पॉन्जेस का एक मेन कैरेक्टर है कि यहाँ पे स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, सिलिकॉन्स के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे, तो यहाँ पे हमें स्पिक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये पाए कहाँ जा रहे हैं, स्पॉन्जिला की इनर वॉल पे। तो अगर हम स्पॉन्जिला देखें तो मान लें ये इनकी बॉडी वॉल है, तो इसकी जो इनर बॉडी वॉल है यहाँ कहीं पर हमारा प्रेजेंट होगा जेम्यूल। फिर इस स्पंज की बॉडी की भी जो ओपनिंग होगी ऑस्कुलम या जो भी यहाँ पर ओपनिंग पाई जा रही है, जब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होती हैं, इनकी बॉडी की इनर वॉल पे ये बर्ड्स फॉर्म होती हैं, और जैसे ही थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन इनके इनको मिलती है एनवायरनमेंट में, तब क्या होगी, इस ओपनिंग से ये जो बर्ड्स हैं वो रिलीज होंगे, और बर्ड्स रिलीज होने के बाद इसका अपोजिट यानी कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये क्या है, ग्राउंड सर या कहीं भी किसी सरफेस से जाकर अटैच हो जाते हैं, और फिर ये फर्दर ग्रो करके एक न्यू स्पंज फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बडिंग में टू टाइप्स हैं, जिसमें से एंडोजीनस बडिंग है, क्योंकि एक्सोजीनस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंडोजीनस बडिंग यानी ऐसा टाइप की बडिंग जो इंटरनल सरफेस पे पाई जा रही है, और इस तरीके की बडिंग का मेन एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला की जो इनर बॉडी वॉल है यहाँ पर इस तरीके की बडिंग पाई जाती है। जो बर्ड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं इसको हम लोग जेम्यूल्स कहते हैं, और जेम्यूल का स्ट्रक्चर एक बारी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर फर्दर जो हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड फिजन लिया, बडिंग लिया, देन हमारा स्पोर फॉर्मेशन आता है। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरा नाम भी कह देते हैं, दैट इज स्पोरुलेशन। ठीक, और अगर स्पोरुलेशन की हम लोग या स्पोर फॉर्मेशन की हम लोग बात करें, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, हमारा कुछ स्पेसिफिक जगह पे पाया जाता है। एग्जांपल जैसे कि हाँ, स्पोर्स में दो तीन टर्म्स देखने हैं पहले। स्पोर्स जो होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं। अगर हमारे मोटाइल स्पोर्स होंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं जू स्पोर्स। ठीक, जू मतलब एनिमल्स, और एनिमल्स में लोकोमोशन पाया जाता है, इसलिए जो मोटाइल स्पोर्स होंगे, जो मूवमेंट शो कर सकते हैं स्पोर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स में हम देखें तो मूवमेंट करने के लिए ज़्यादातर फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जू स्पोर्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल हैं हमारे सर्टेन एल्गीज में, जैसे कि एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक में मेंशन है, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये मोटाइल स्पोर या जू स्पोर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दूसरे हो सकते हैं हमारे नॉन मोटाइल स्पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्लैनोस्पोर। ठीक, और अप्लैनोस्पोर का ही या नॉन मोटाइल टाइप के स्पोर का एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दे के रखा है वो दिया हुआ है आपका कोनिडिया। अप्लैनोस्पोर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी बुक में यहाँ एग्जाम्पल दे के रखा है एनसीईआरटी में, वो दिया है कोनिडिया। और कोनिडिया का फॉर्मेशन कहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल पेनी सीलियम। ठीक, अब क्योंकि इस तरीके के स्पोर मोटाइल नहीं होने हैं, तो जब ये मूव नहीं करने हैं तो मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता था यानी कि जो फ्लैजेला था वो इनमें नहीं पाया जाएगा। तो अगर हम पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, इनके ये जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं यही क्या कहलाते हैं, कोनिडिया। और जिस स्ट्रक्चर पे या इनको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, जहां ये फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलेंगे कोनिडियम। ठीक है, बाकी स्पोर्स की या फिर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम इनकी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज एल्गीज और फंजाइज जो है हमने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है।
ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन यानी कि कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, और ये भी कब फॉर्म होंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स फॉर्म होते हैं। कई बार स्पोर्स के अराउंड भी हमको इंसिस्टमेंट देखने के लिए मिल सकता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स क्या है, एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे और उससे जो है वो न्यू जनरेशन उनकी फॉर्म होना स्टार्ट होगी। यहाँ पे दो बेसिक एग्जांपल हमें लर्न करना है, क्लेमाइडोमोनास जू स्पोर्स के एग्जाम्पल में, और नॉन मोटाइल या फिर क्या कहते हैं अप्लेनोस्पोर के एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, कोनीडिया का फॉर्मेशन, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है, पेनिसिलियम। ठीक है, फिर फर्दर नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ पे पाया, पहले तो रीजनरेशन, रीजनरेशन यानी किसी भी चीज की रीग्रोथ, जो चीज पहले से प्रेजेंट हो उसका फिर से रीग्रो करना। ठीक है, तो रीजनरेशन का एग्जांपल अगर हम देखें एज सच, तो हमें ये लिजर्ड्स में भी देखने के लिए मिलता है, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे स्नेक्स में, स्नेक्स की उनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वहां पर भी हमें रीजनरेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, बिकॉज वहां पे क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो रीजनरेशन टाइप का जो रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन जो होगा उसका जो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है प्लैनेरिया। ठीक है, कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी अगर एक्सीडेंटली ब्रेकडाउन हो जा रही है तो इनका जो ये हेड ट्रंक एंड टेल वाला पोर्शन है, ये तीनों ही पार्ट क्या है, फर्दर रीग्रो करके न्यू ऑर्गन या न्यू प्लेनेरिया में फॉर्म होने, न्यू प्लेनेरिया फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन कहाँ पे पाया जाना है, हमारा प्लेनेरिया में। ठीक है, और एक और तरीके का लास्ट हमारा जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जो हम लोग लेते हैं, फ्रैगमेंटेशन। ठीक, फ्रैगमेंटेशन यानी कि किसी भी चीज का फ्रैगमेंट्स में टूटना, ठीक, फ्रैगमेंटेशन यानी ब्रेकिंग इनटू फ्रैगमेंट्स। और फ्रैगमेंटेशन का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो सबसे कॉमन सा एग्जांपल है स्पायरोगायरा। इसकी बहुत डिटेलिंग इसलिए नहीं लिख रहे हैं बिकॉज हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस केवल हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं रिकॉल करने के लिए। स्पायरोगायरा हम देखते थे एक तरीके की फिलामेंटस एल्गी थी, ग्रीन एल्गीज की या ब्लू ग्रीन एल्गीज की कैटेगरी में है। तो इनमें क्या है, रिबन लाइक जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता था, और स्पायरोगायरा अगर फिलामेंट्स में ब्रेक डाउन होता था तो इसका हर पार्ट जो होता था वो एक न्यू स्पायरोगायरा को फॉर्म कर सकता था। यानी कि जितने भी तरीके की फिलामेंटस एल्गी हैं वहाँ पे टाइप ऑफ एसेक्सुअल में से कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फ्रैगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन हमको यूजुअली देखने के लिए मिलता है। ये सारे तो हो गए हमारे बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन। फिर इसी तरीके से ये जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का हमारा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, कुछ इस तरीके का एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में जो रिप्रोडक्शन हमारा पाया जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हो सकता है, पहले तो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब है कि प्लांट के वो पार्ट जो बेसिकली ग्रोथ के लिए या बाकी बाकी एक्टिविटीज के लिए मॉडिफाइड हो या बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सॉरी वो कहलाते हैं हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक, और उन वेजिटेटिव, अब वेजिटेटिव पार्ट्स की बात कर ले तो बेसिकली प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हमारा
फ्लावर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्लावर्स में फ्रूट्स, उसके बाद जब सीड्स बनती हैं तो सीड्स का यूटिलाइजेशन करके न्यू प्लांट की जो जनरेशन है वो फॉर्म होती है. वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे प्लांट में कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेम्स हो सकते हैं, रूट्स हो सकती हैं और लीव्स. ठीक, इनके अपने डिफरेंट फंक्शन हैं अदर देन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं प्लांट्स में जो परफॉर्म होते हैं. तो अगर ये जो प्लांट के पार्ट हैं वो क्या करें, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करें जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करें, या स्टेम रूट्स या लीव्स में कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन पाया जाए कि वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, ये जो अच्छा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं. एक होता है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल. ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि यहाँ पे जो रूट स्टेम लीव्स हैं उनमें नेचुरली कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन पाया जाए जिसके थ्रू क्या हो वो नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने के लिए कैपेबल हो जाए. और अगर हम आर्टिफिशियल टाइप का रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव टाइप का प्रोपेगेशन देखते हैं तो इनमें क्या है, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग, लेयरिंग. ठीक, या ये एक्टिविटीज जो क्या है मैन परफॉर्म कराता है किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को लेकर के न्यू प्लांट को ग्रो कराने की. ठीक, तो इन सब को शॉर्ट में देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स के लिए. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन सा प्लांट पार्ट रोल प्ले कर रहा है, इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म कर लें. तो अगर हम स्टेम लें या ऐसे प्लांट्स का नाम लें जिनमें स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो उसका एग्जांपल पहले तो हम स्टम्स के थ्रू जहाँ पे भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वहाँ पे जो स्टेम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको भी हम कुछ स्पेसिफिक नेम देते हैं. तो स्ट्रक्चर नेम ले लें और फिर हम इसके एग्जांपल में जो भी प्लांट्स कंसीडर करते हैं वो प्लांट्स ले लें. ठीक है, तो पहला स्टेम में जो मॉडिफिकेशन पाया जाता है वो सबसे पहला है रनर टाइप का. रनर का सिंपल मीनिंग है लाइक अगर हमारा कोई स्मॉल प्लांट है तो इसका जो नोड या इंटर नोड है इससे क्या है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है इसके पैरेलली ग्राउंड में नीचे जो है वो, एक सेकेंड थोड़ा और प्रॉपर वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए. रनर की अगर हम बात करें, मान ले कि ये हमारा ग्राउंड है, कोई प्लांट है. ठीक है, अब ये अगर कोई प्लांट है तो इनकी जो भी नोड्स या इंटर नोड्स होंगी इनसे हम जानते हैं कि फर्दर नेक्स्ट ब्रांचेस ग्रो करना स्टार्ट करती हैं. तो यहाँ पे जो ब्रांचेस ग्रो करेंगी वो क्या करें, ग्राउंड के पैरेलली या अंडरग्राउंड ग्रो करना स्टार्ट करेंगी. प्लस ये क्या होंगी, जहाँ पे भी अगेन इंटर नोड अवेलेबल होगा इससे हमारा न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन पाया जाता है ये पाया जाता है रनर्स में. डिटेल अगर इसकी देखनी है तो हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है 11th में, मॉडिफिकेशन जहाँ पर पढ़ा था रूट स्टेम एंड लीव्स का वहाँ पर. तो रनर का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं साइनोडॉन या जिसको बोलते हो दूब घास. ठीक है, इसी तरीके से जैसे रनर है वैसे ही सेम एक हमारा एक्वेटिक प्लांट है जहाँ पे सेम स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सॉलन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा. ठीक है, यहाँ पे जो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर अगेन थोड़ा सा अंडर वाटर ये पैरेलल टू वाटर ग्रो करेंगे, उसके बाद अगेन ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. इस तरीके का जो वो होता है, इसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं बेटा, इसका सिर्फ हमें प्लांट का पार्ट याद रखना है. तो हम सिर्फ एग्जांपल्स और उसकी टेबल बना रहे हैं. तो ऑफसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पाया जाता है
इकॉर्निया में, जिसको क्या बोलते हो, वाटर हैसेंट भी बोलते हो, ठीक है? ठीक। उसके बाद थर्ड सी में हम लोग एग्जांपल लेते हैं ट्यूबर्स, या जिसको आइज बोलते हो कॉमनली, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? पोटैटो में। देन नेक्स्ट हम लोग लेते हैं राइजोम, राइजोम्स हमारे पाए जाएंगे जिंजर में, या फिर कहीं कहीं पर बनानाज में भी राइजोम पाए जाते हैं। फर्दर फिर क्या है, बल्ब्स, बल्ब्स के थ्रू रिप्रोडक्शन पाया जाता है ओनियन एंड गार्लिक में। देन उसके बाद है हमारा कॉर्न, कॉर्न पाया जाता है कोलोकेशिया, यानी कि अरबी जिसको बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फिर और जो भी स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं, एक इसी तरीके से सकर है, सेवेंथ, एंड एट्थ क्या है आपका, बल्बिल, ठीक है? तो बल्बिल पाया जाता है एगेव में, और अगर हम लोग सकर की बात करें तो ये पाया जाता है क्राइसोजैंथियम में, ठीक है? तो अभी ये टेबल हम कंसीडर कर ले रहे हैं, बाकी ये पार्ट्स क्या होते हैं इनका डिस्कशन हम लोग फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? गुड इवनिंग।